कारवां टीवी हर पल आपके साथ। जिला बरेली के नवाबगंज के थाना क्षेत्र हाफिजगंज के गांव सनेकपुर में पिछले कुछ दिनों से कोटा के चुनाव के लिए घमासान मचा हुआ है, लेकिन मौजूदा ग्राम प्रधान जलील अहमद के बीमार होने से आज दूसरी बार कोटे का चुनाव टल गया। हालांकि गांव में बराबर चर्चाएं हो रही हैं कि ग्राम प्रधान जलील अहमद बिल्कुल स्वस्थ हैं, मगर कोटे के चुनाव के लिए वो सामने नहीं आ रहे। आपको बता दें कि गांव सनेकपुर में बीते 17 अक्टूबर को चुनाव होना था, मगर ग्राम प्रधान की गैर मौजूदगी के कारण कोटे का चुनाव टल गया था। ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि ग्राम प्रधान अस्वस्थ है, जिसकी वजह से चुनाव की तिथि 24 अक्टूबर बढ़ा दी गई थी, मगर आज 24 अक्टूबर को भी ग्राम प्रधान जलील अहमद चुनाव स्थल पर नहीं पहुंचे और ना ही कोई दूसरा दावेदार चुनाव स्थल पर पहुंचा, जिसकी वजह से आज एक बार फिर चुनाव की अगली तारीख 31 तक टल गई है। आज भी पूर्व प्रधान अतीक अहमद की बहू सुहाना के समर्थक सैकड़ों की तादाद में चुनाव स्थल पर पहुंचे, मगर आज फिर सैकड़ों समर्थकों के हाथ मायूसी लगी। ग्राम विकास अधिकारी ने कहा कि घोषित तिथि पर अगर वो मौजूद नहीं होते हैं तो ग्राम पंचायत सदस्य को अध्यक्ष मानकर चुनाव करा दिया जाएगा और जो विजेता होगा जीत का सहरा उसी के सिर पर बांध दिया जाएगा। अब देखना यह है कि अगले 31 अक्टूबर को ग्राम प्रधान चुनाव स्थल पर पहुंचते हैं या नहीं। मेरा अमित कुमार नाम है, ग्राम विकास अधिकारी। इसमें प्रधान जी की मौजूदगी है कि नहीं है कि जानना चाहेंगे। ये दूसरी ऐसा पहली बैठक में तो अनुपस्थित थे, वो स्वास्थ्य का कारण था, लेकिन दूसरी बैठक में तो बिना कारण बताए अनुपस्थित रहे जी। तो अब हम तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, अभी भी हमने भेजा लेकिन वो नहीं आए हैं। सर किस तरीके की बीमारी है और किस तरीके का इलाज किया जा रहा है, अभी तक किसी हॉस्पिटल में उनके होने की कोई ना वो उन्होंने हमें कोई उसका ना प्रूफ दिया है ना किसी प्रकार का उन्होंने कोई कागज वागज दिखाए इस प्रकार का। दुकान जो है हो रही है आज भी? नहीं नहीं, हमने जैसे पिछली बार आपको बताया था नियमानुसार ये होता है, जैसा कि नियम है कि दो बैठक ग्राम प्रधान के अध्यक्षता में ही हमें बुलानी पड़ती है। ग्राम प्रधान अगर दो बैठक में नहीं आता है तो तीसरी बैठक हम ग्राम प्रधान के अनुपस्थिति में वरिष्ठ ग्राम पंचायत सदस्य की अध्यक्षता में, जैसा कि मैंने लिख दिया है, उसकी अध्यक्षता में हम तीसरी बैठक करके फाइनल कर देंगे। सर जानना चाहेंगे क्या लिखा हुआ है? सर है जानना चाहेंगे क्या लिखा है सर इसमें जी? इसमें यही लिखा है कि ग्राम प्रधान पहली बैठक तो अस्वस्थता का बहाना बनाकर नहीं आए और दूसरी बैठक में बिना किसी कारण बताए अनुपस्थित हो गए हैं। अगली डेट क्या लगाई है? अगली डेट 31 अक्टूबर। अब तो ऐसा ना उसी हिसाब से समय घटता जाता है, अब 7 दिन का हमें समय है, 7 दिन के समय जो 31 है उसके बाद भी टाइम बढ़ेगा? नहीं नहीं, अब नहीं, ये तो फाइनल मैंने लिख दिया, हर हाल में कोटे का चयन कर दिया जाएगा। समूह का नाम होगा या नहीं? समूह का जरूरी नहीं है, समूह आवेदन करेगा तब। ठीक है सर, थैंक यू। समूह अगर आवेदन नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, समूह आवेदन करता है तो फिर समूह अगर एक है तो एक ही समूह को हम दे देंगे निर्विरोध, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर 2-3 समूह होते हैं तो फिर इलेक्शन होता है। सर कोई लेकिन मेडिकल वगैरह लगाया गया है? नहीं नहीं, मेडिकल वगैरह कुछ नहीं दिया गया उनके द्वारा, ऐसा कोई ना कोई किसी प्रकार का जानकारी नहीं दिया आपको? नहीं, ग्राम प्रधान को जानकारी है, एजेंडा रजिस्टर रखा हुआ है, सूचना नहीं दी है? नहीं नहीं, मैं तो लगातार उनके कांटेक्ट में हुआ था सुबह तक, परसों मिले भी थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर लिया, तो मैं तो ढूंढ भी। क्या लग रहा है आपको? मैं क्या कह सकता हूँ उनके बारे में। ठीक है सर, थैंक यू। अध्यक्ष किसे चुन? अध्यक्ष तो है वो ज्येष्ठ सदस्य चुन लिया गया हमने, क्या अभी नाम लिखा था अफजाल हुसैन को, अफजाल हुसैन की अध्यक्षता में। हाँ, आपने ये कहा अभी प्रधान जो है बहाना बना रहे हैं, क्या कारण हो सकता है बहाना बनाने का? मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। क्यों बनाया उन्होंने आज नया? ऐसा है उन्होंने, जैसे उन्होंने बार बार कहा कि एक उनके मन में वो था, एक मन में एक दुविधा थी उनके कि आप समूह के नाम करेंगे, तो बोले मैंने कोई समूह नहीं बनवाया है। तो मैंने कहा इससे मतलब नहीं है कि आपने समूह बनवाया या नहीं बनवाया, प्रधान का रोल नहीं होता है समूह बनवाने में, समूह अपने आप बनते हैं। या चलिए जो समूह की योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, हमारे गवर्नमेंट से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, इसमें समूह अपने आप ही बनते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ये बनवाएंगे या बनवाएंगे, गवर्नमेंट की योजना के अनुसार हमारे द्वारा कोशिश की जाती है, समूह जो भी बन जाते हैं वो बन जाते हैं। नहीं जैसे दावेदार तो पर्सनली दावेदार अगर कोई करता है तो पर्सनल दावेदार जो भी करेगा वो दावेदारी अपनी करेगा, मान लिया एक या दो जो भी व्यक्तिगत। नहीं अभी तो हम आवेदन इसलिए नहीं ले रहे हैं, जब ग्राम प्रधान ही नहीं तो हम बैठक को आगे कैसे बढ़ाएं। ग्राम प्रधान पहले अध्यक्षता करता है, साइन करता है, उस पर उपस्थित रहने का अपना सबूत देता है कि ग्राम प्रधान उपस्थित है, उसके बाद हम कोरम पूर्ण की प्रक्रिया पूरी करते हैं। कोरम पूर्ण में हमारा वही है कि वोटर लिस्ट का 1/5 संख्या हमारी पूर्ण होनी चाहिए, उसको हम पूर्ण करके जब उतने हस्ताक्षर अंगूठे आ जाते हैं उसके अच्छा उतनी देर में हम आवेदन ले लेते हैं। 1 घंटे का समय आवेदन का हमारा रखा, हम अपना 1 घंटे या 1.5 घंटे जैसा भी रख सकते हैं। प्रधान समूह द्वारा चुनाव नहीं चाहते, कैसे चुनाव चाहते हैं?
प्रधान चाहते थे कि व्यक्तिगत व्यक्ति को दिया जाए, समूह को ना दिया जाए। सर जानना चाहेंगे, लेकिन समूह की प्राथमिकता गवर्नमेंट की है, केंद्र सरकार ने करा है, ये ऊपर से नियम आया हुआ है। अगर समूह अगर समूह आवेदन करता है तो समूह को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी पूरा समूह जो महिलाओं का है 12 का या 15 का, वो पूरी महिलाओं का समूह राशन की दुकान चलाएगा। ये एक्चुअली इसलिए किया गया है कि अगर समूह इस तरीके का काम करना चाहें तो उसमें एक्चुअली ईमानदारी भी होगी और थोड़ा सा कोटा वैसा अच्छे तरीके से बटेगा। गौरतलब है कि भारी समर्थकों को देखकर ऐसा मालूम हो रहा है कि जीत का सेहरा हाजी अतीक के बेटे की पत्नी सुहाना के सिर पर सज सकता है। नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट, कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।